नमः परमहंसस्वादित चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री Yeah.
अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परम द्वार करुणावतार भक्त वांछा कल्प जरूर राघवेंद्र सरकार का वांग्मय प्रति स्वरूप श्री रामचरित्र मानस सप्ताह सत्संग सत्र के प्रथम दिवस में आप हम सब संवेद रूप से एकीभूत होकर के अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की पावन गोद में विराजमान होकर के और प्रभु की पावन रसमयी कथा सुनने के लिए आज पुनः एक बार फिर विराजमान है। पारीछा धाम से पधारे हुए परम पूज्य परम वंदनीय संत श्री महावीर प्रसाद जी महाराज उनके पावन पादारविंदों में बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हुई हमारे बड़े भैया के रूप में राघवेंद्र रामायणी जी पिता तुल्य उदेनिया जी महाराज जिनकी मुखारविंद से अभिनिसृत हो रही कथा की रसधार में आप सब गोते लगा रहे थे, हमारे भैया संगीतक वृंद, हमारे परम आदरणीय पूज्य मौसा जी और मोटे के महावीर हनुमान जी की समिति से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी गण, हमारे बड़े भैया विनोद रावत जी शर्मा जी और ज्ञात अज्ञात जितने भी हैं और यत्र तत्र स्थान स्थान से आए हुए भगवत कथा रसिक श्रोत्रिय वृंद, सीता अनसुईया गार्गी मैत्री के पावन पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारी मात्र शक्तियों आए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रथम दिवस भगवान की कथा बड़े ही भाग्य भाग्यों से प्राप्त होती है, लेकिन भाग्य से भी ऊपर भगवत कृपा के चलते हमें भगवान का दिव्य सत्संग प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में दर्शन करा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, बीनु सत्संग विवेक ना होइ, बीनु सत्संग और बिना सत्संग के जब विवेक की जागृति नहीं होती तो वह सत्संग कैसे प्राप्त होता है? कहा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती इस जीवात्मा के ऊपर तब तक भगवान की कथा सुनने को प्राप्त नहीं होती, चाहे हमारे नगर द्वार घर के बाहर ही कथा क्यों ना होती रहे, लेकिन ये न केन प्रकारेण आपको कथा सुनने नहीं मिल पाएगी। तो महाराज भागवत महापुराण में भी यही सूत्र आया, बिल्कुल एक ही बात भागवत में भी आई है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जिते सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा अज्ञा तो समस्त शास्त्रों वेदों और पुराणों का ही आश्रय लिया, इसलिए एक ही बात कही जा रही है, जीव के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के भाग्यों के पुण्यों का जब उदय होता है और भगवत कृपा जब इसके ऊपर होती है तभी सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै।
तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति जब हो जाती तो होता क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कहा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान के जो दो कारण है मोह और मद, ये सत्संग क्या करता है। कहा जो जीवात्मा सत्संग श्रवण करने लगता है तो सत्संग के प्रभाव के चलते उसके जीवन में अज्ञान के जो दो हेतु है मोह और मद उनका नाशम विधाय ही नाश हो जाता है। और फिर क्या होता है, कहा तदुदयते विवेक, तो विवेक की प्राप्ति अपने आप सहज सुलभ प्राप्त हो जाती है। तो मोह और मद ये अज्ञान के दो विशेष कारण बताए। और मोह का विकार इतना खतरनाक बताया है कि महाराज काम क्रोध लोभ ये तो फिर भी सहज है, इन पर विजय एक बार तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये जो मोह जीवन में यदि एक बार आ जाता है तो इससे बचना बहुत दुष्कर है। एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक सेठ जी ने रुपयों में बहुत मोह किया, बहुत मोह, जीवन भर रुपये जोड़ते रहे, परिवार में समाज में कभी नहीं धन खर्च किया, केवल जोड़ना ही सीखा, क्योंकि पैसों में मोह, किसी का पैसों में होता है, किसी का पुत्र में होता है, किसी का परिवार में, किसी का व्यापार में, परंतु उनका धन में। तो महाराज जीवन भर जोड़ते रहे जोड़ते रहे जोड़ते रहे और अंत तो गत्वा जब मृत्यु की वेला आई तो महाराज सेठ जी ने सारा का सारा धन माल खजाना अपने घर में एक जगह छुपा करके रख दिया। और जब मृत्यु का समय आया तो बेटे और बहू ने आकर के घेर लिया और कहने लगे पिताजी अब तो आप मर रहे हैं, तो कम से कम बता दो कि वो धन कहाँ है, हमारे काम आ जाए, आपके तो काम कभी आया नहीं, हमारे काम आ जाए। तो सेठ जी बोलने में असहाय, बोल नहीं पा रहे अस्वस्थता के कारण, तो महाराज बेटों ने बाहर जाकर के डॉक्टर साहब को बुलाया और कहा डॉक्टर साहब पिताजी की ऐसी चिकित्सा कर दीजिए कि पिताजी को कुछ बोलने का प्रयास हो जाए। तो महाराज डॉक्टरों ने बहुत मेहनत मशक्कत करी और जब बोलने की स्थिति आई तो डॉक्टरों ने कहा केवल 5 मिनट का समय है, पिताजी से जो कुछ पूछना है पूछे। और महाराज जैसे ही बेटों ने पिता के पास जाकर के पूछा पिताजी अब तो आप बताओ कि वो धन माल खजाना कहाँ छुपा दिया, तो महाराज पिताजी को ये केन प्रकारे उठाया गया, पीछे तकिया वकिया लगाई गई और जैसे ही पिताजी बोलने को हुए तो चूंकि धन में उनका मोह जीवन भर रहा ना, तो महाराज आखिर में जब बोलने लगे उसी समय उनकी नजर घर में खड़ी हुई गाय के ऊपर पड़ी। गाय बंधी थी बिल्कुल ठीक सामने और गाय के बगल में ही एक झाड़ू रखी हुई थी। तो महाराज सेठ जी बड़े कंजूस, मरते समय गाय को देखा और गाय के मुख में चबाती हुई उस गाय को झाड़ू को देख लिया कि झाड़ू चबा रही है गाय, तो कहने लगे 5 मिनट के समय में अरे मूर्खानंदो तुम धन की बात कर रहे हो, जब तुम एक झाड़ू की रक्षा नहीं कर सकते तो महाराज धन क्या खाक संभालोगे। और झाड़ू गाय कहते कहते गोविंदाए नमः। ये मोह का विकार बड़ा खतरनाक है, इसीलिए सत्संग के प्रभाव से इसी मोह का खंडन होता है, इसी मोह के पर्दे फट जाते हैं और फिर क्या होता है। कहा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय ही तदुदयते विवेक। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मानस में, बीनु सत्संग विवेक न हो, बीनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा सुलभ न सोई,
उसी विवेक की जागृति इस सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है। और जब जीवन में समीचीन विवेक प्राप्त हो जाता है सत्संग के चलते, तो संपूर्ण समर्पण परमात्मा के आधार बिंदु में हो जाता है। फिर उस जीव के जीवन की घटना भरत लाल जी के जैसी ही घटती है। भरत लाल जी के जीवन में संपूर्ण समर्पण राघवेंद्र सरकार के चरणों में है, तो उन्होंने आखिरकार प्रयागराज से क्या मांगा? एक ही बात कहते हैं भरत लाल जी, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान। और फिर भक्त के जीवन में जब संपूर्ण समर्पण हो जाता है, तो उसके जीवन में यही भाव जागृत होता है, हे प्रभु ना हमें अर्थ चाहिए, ना हमें धर्म चाहिए, ना हमें काम चाहिए, और तो और निर्वाण पद भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? कहा, जो सच्चा और श्रेष्ठ निष्काम भक्त होता है, परमात्मा के चरणों में निष्काम समर्पण हो जाता है, तो आखिरकार उसके जीवन का लक्ष्य एक ही होता है, क्या? सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। और अनुदिन विश्वामित्र जी अकेले नहीं गए, राम लला और लखन लला को साथ में लेकर गए। और जब दोनों विभूतियां विश्वामित्र जी के साथ गई बिना बुलाए, देखिए राघवेंद्र सरकार को कई बार बुलाया गया, कई नगरों में बुलाया गया, लेकिन यहां बिना बुलाए राघवेंद्र सरकार जा रहे हैं, और ऐसे नहीं मुस्कुराते हुए। ध्यान देना, हमारे यहाँ हमारे परिवार का कोई श्रेष्ठ प्रसंग हो और कोई खास व्यक्ति हमें अगर निमंत्रण देना भूल जाए, तो हम मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। लेकिन जगदाधार जगत नियंता परमात्मा राघवेंद्र सरकार, जिसको निमंत्रण बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन वह विश्वामित्र जी के साथ बिना बुलाए जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? मानस में वो स्वामी तुलसीदास जी दर्शन करा रहे हैं, क्या? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, 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 हर श्री चली घटना। और
असी चले मुनि वर के सारा साथा प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। और जब मिथिला में पहुंचे तो विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम वंदन किया राघवेंद्र ने। और देखिए जरा मिथिलानियों के प्रेम का दर्शन कीजिए आप। कहा गुरुदेव लखन मिथिला का दर्शन करना चाहता है, क्या मैं उसे दर्शन करा के ले आऊं? तो महाराज विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी। राम और लखन दोनों ही मिथिला की गलियों में चलना प्रारंभ करते हैं। आगे आगे राघवेंद्र सरकार हैं और पीछे पीछे लखन लाल जी। दोनों दिव्य विभूतियां मिथिला की गलियों में आनंद करती हुई जैसे ही चल पड़ी तो महाराज एक जगह एक घर में एक उत्सव चल रहा था। काहे का उत्सव? कहा एक नई नवेली बहू जिसकी मुंह दिखाई की रस्म चल रही है और खूब महिलाओं की भीड़ लगी हुई है, मिथिलानियों की भीड़ लगी हुई है और मुंह देख देख करके उपहार दे रही है। इतने में ही घोषणा हो गई कि प्रभु पधारे हैं तो सब की सब भाग खड़ी हुई झरोखों में आ गई और महाराज भगवान का दर्शन करने लगी। और जब भगवान का दर्शन करने लगी तो जो बहू थी वो बिल्कुल अकेली हो गई। बहू ने विचार किया कि लोग मेरी को दिखाई कर रहे हैं और अब कोई भी नहीं, आखिर कौन ऐसा है? तो दौड़ी दौड़ी गई है, झरोखे में झांक करके जैसे ही देखा तो क्या देखती है कि वहां तो राघवेंद्र सरकार चल रहे हैं। वह पावन मंगल मूर्ति उसका दर्शन किया उस नई नवेली दुल्हन ने तो महाराज आज उससे रहा नहीं गया। आज उसने भी अपने घूंघट के पट को उठा दिया और जैसे ही घूंघट का पट उठाया और राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया तो नीचे खड़ी हुई सास ने देखी। अब जैसे ही सास ने देखा तो सास कहती ओ बहू ये क्या गलत कर रही है, अरे तू अपना मुंह क्यों दिखा रही है? उसने कहा लो मर गया, हो गया था। उस बहू ने कहा अरे सासू मां तुम्हें मैं ही देखने के लिए मिली। तो एक सुंदर सी बात उसने झरोखे में खड़े होकर के कही कि सब ही निहारत राम को, अरे मां सब ही निहारत राम को, मौसम लखत ना कोए। सब तो राम जी को देख रहे हैं, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन आप एक मात्र एक लौती ऐसी हैं जो मेरी भूल को देख रही है। तो वो कहती है सब ही निहारत राम को, मौसम लखत ना कोए, परंतु तुम समान को पापनी जो प्रभु तज देखती। आपके जैसा कौन होगा जो प्रभु को भूल करके मेरी तरफ देख रही हो? अरे आप भी जीवन का लाभ प्राप्त कर लो, आप भी करो और हमें भी करने। तो महाराज राघवेंद्र सरकार की मंगल मूर्ति चली जा रही है, मिथिला की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं राघवेंद्र सरकार। इतने में मिथिलानियों के झुंड जो लग गए हैं झरोखों में चौबारों में, तो महाराज आज कहती है कि प्रभु पधारे हैं, लेकिन प्रभु का ये सौम्य मुखारविंद इसका दर्शन कैसे हो? क्योंकि हमारे जो रामलला सरकार हैं वो बड़े संकोची स्वभाव के हैं, नेत्र झुका करके चलने वाले हैं, कभी किसी की तरफ नजर उठाकर देखते ही नहीं। तो आज मिथिलानियों ने प्रतिज्ञा कर ली कि येन केन प्रकारेण हमें प्रभु का मुखारविंद तो देखकर ही रहना है, आज हम मानने वाली नहीं है। तो मिथिलानियों ने कहा कि देखोगी कैसे, क्योंकि प्रभु संकोची हैं, ऊपर देखेंगे ही नहीं, प्रयास करके देखो। तो एक मिथिलानी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी अरे बहन मैं बताती हूं कि भगवान कैसे ऊपर देखेंगे। तो अन्य मिथिलानियों ने कहा तू ही बता कि कैसे देखेंगे। उसने कहा कि ऐसे नहीं देखेंगे तो इनको बुलाओ। तो महाराज मिथिलानियों ने मिलकर के बुलाया, कहा ए परे ठाकुर कहां चले जा रहे हो, अरे कहीं देखते ही नहीं, बड़ा अभिमान है। तो राम जी ने फिर भी देखा नहीं, लेकिन लखन लाल जी ने देखा और लखन लाल जी ने जैसे ही देखा तो भ्रकुटी तन गई, नेत्र लाल हो गए और होंठ फट
कैसी हैं? आपसे कह रही है कि रुको, आप परमात्मा हैं, आपको रोकने वाली ये कौन है, क्यों रोक रही है? भगवान ने धीरे से लखन लाल को चिकोटी काटी, धीरे से हाथ दबाया और कहा, लखन अरे ये भक्ति का नगर है, काहे को पछड़े में पड़ते हो, कुछ बोलना नहीं, क्योंकि ये भक्ति का नगर है, यहाँ अगर कुछ बोलोगे तो उल्टा फंस जाओगे, इसलिए चुपचाप चलो। लखन लाल जी ने कहा, हमें क्या गरज पड़ी जो हम बोले, आपको ही सुनने की पड़ी तो सुनो, हम तो चलेंगे आपके पीछे पीछे। राम जी ने कहा तो ठीक है। अब राम जी आगे आगे, लखन लाल जी पीछे पीछे, और राम जी ने कहा, लखन ऐसे नहीं, मुंह पर उंगली रख लो। लखन लाल जी ने मुंह पर उंगली रख ली और लखन लाल जी पीछे पीछे चल रहे हैं। अब मिथिलानियों ने कहा, बहन देखो तो सही, अभी भी प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। तो अन्य मिथिलानियों ने कहा, अब क्या करें, तब तक एक मिथिलानी और दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अरे बहन मेरे पास एक उपाय है। तो अन्य मिथिलानियों ने कहा, क्या उपाय है, जल्दी बता। तो महाराज उस मिथिलानी ने कहा कि ऐसे बाप बनने वाली नहीं है, अरे प्रभु को बुलाना बंद करो, इनके पिताजी का नाम लेना शुरू करो, इनके पिताजी का नाम लोगी तो ये जरूर हमारी तरफ देखेंगे और हमें इस कारण से इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो महाराज ये क्या कहती हैं, ये दो दशरथ के
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सखिता सुमित्रा माता। तो दोनों की माताएं अलग हैं। तो महाराज जैसे ही लखनलाल जी ने सुना फिर से भ्रकुटी तन गई, नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़फड़ाने लगे। प्रभु अरे आप तो आप, आपके पिता आपकी माताओं का भी ये नाम ले रही हैं, अब तो देखो। तो भगवान ने कहा चाहे हमारा नाम ले, चाहे पिताजी का नाम ले और चाहे माता जी का ही क्यों ना नाम ले, लेकिन देखना नहीं। लखनलाल जी ने कहा हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, जैसी आज्ञा आपकी है। पूज्य महाराज श्री जी का पदार्पण हुआ है तो आए 5-7 मिनट में अपनी वाणी को, 10 मिनट में अपनी वाणी को विराम देंगे। तो महाराज आज मिथिलानियों ने कहा हमें दर्शन नहीं हुआ, माताओं का नाम लिया, पिताजी का नाम लिया और इनका नाम लिया, तो बात कैसे बने। तो महाराज मिथिलानियों ने आज बड़े ही रोग से कह दिया ए बड़े ठाकुर कहां चले। राघवेंद्र सरकार ने तब जा करके हाथ जोड़ करके मंद मंद मुस्कुराते हुए नेत्रों को झुकाते हुए अब कहा देवियों क्या चाहती हैं आप। मिथिलानियों ने कहा कि बड़ा रोग है आपको, बड़ा अभिमान है, आखिर ऐसा कौन सा अभिमान है जिसके बल पर आप इतना अभिमान कर रहे हैं कि कहीं देखते ही नहीं। राघवेंद्र सरकार बोलने लगे कि देवियों हमारे पास 4 पदार्थ हैं। अच्छा कौन कौन से? कहा अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ हमारे पास हैं। आप जो लेना चाहें आपके भाव पर रीझ करके हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा बोलिए आपको क्या चाहिए। मिथिलानियों ने कहा प्रभु इतना घमंड है, अच्छा सबसे पहले आप क्या देंगे। भगवान ने कहा अच्छा देवियों सबसे पहले आप अर्थ ले। अर्थ की आवश्यकता तो सब किसी को संसार में पड़ती ही है। मिथिलानियों ने कहा प्रभु अर्थ की पुटरिया यदि आपके यहाँ ज्यादा बढ़ गई है अयोध्या में तो महाराज किसी भिखमंगों को जाकर के लुटाओ, हमारे यहाँ जनकपुरी में अर्थ की कोई कमी नहीं है। और बाबा तुलसीदास जी ने मानस में इसका दर्शन भी कराया। क्या जो संपदा नीच ग्रह सोहा, जो संपदा नीच ग्रह देख करके विचार करने लगे कि हो ना हो यही जनक महाराज, यही हमारी सीता मैया जी का। तो महाराज इतनी संपदा, देखिए महाराज किसी नगर के सेठ के यहाँ संपत्ति हो, किसी नगर के राजा के यहाँ संपत्ति हो, ये बात समझ में आती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रजा भी इतनी धनाढ्य हो कि उसके ही बराबर वैभव हो तो वहां के वैभव का क्या कहना। इसलिए मिथिलानियों ने घोषणा कर दी प्रभु यदि आपके यहाँ धन की पुटरिया ज्यादा है तो भिखारियों में लुटा दो, हमारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है इसलिए हमें आपका अर्थ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अर्थ नहीं चाहिए तो देवियों धर्म ले लो, और धर्म की आवश्यकता तो दुनिया में सब किसी को है। आज इतने सब आप सब मोटे के महावीर हनुमान जी में सत्संग क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि जीवन में सत्संग सुन करके जीवन में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से धर्म बन जाए, इसलिए हम सत्संग की सरिता में डुबकी लगा रहे हैं। तो धर्म ले लो। राघवेंद्र सरकार कहते हैं, मिथिलानियां कहती हैं अच्छा धर्म देंगे। प्रभु एक बात बताइए, हमारे जीवन में यदि धर्म की कमी होती, हमारे जीवन में यदि कोई पुण्य की कमी होती तो आप बिना बुलाए बिना आवाहन किए स्वयं चल करके हमें दर्शन देने यहाँ नहीं आते। और बाबा तुलसीदास जी ने मानस में फिर दर्शन कराया कि पुर नर नारी सुभग उच्च
सच्ची संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला की नारियां तो साध्वी का जीवन जीती ही थी, पुरुष भी साधु से कम नहीं थे। तो महाराज हमारे जीवन में धर्म की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए ना हमें आपका अर्थ चाहिए ना हमें आपका धर्म चाहिए। तो राम जी ने नेत्र झुकाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, देवियों जब आपको धर्म नहीं चाहिए, जब आपको अर्थ नहीं चाहिए तो काम ले लो, हमारे पास काम भी है। तो महाराज मिथिलानियों ने कहा, प्रभु आपको अपने आप से संकोच नहीं लगता? अरे आपकी एक एक अंग की छवि पर हमने करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छवियों को न्योछावर करके यूं ही फेंक दिया और आप एक काम देने चले आए। अंग अंग पर वारी हो कोटि कोटि, इसीलिए हमें आपका ना अर्थ चाहिए, इसीलिए हमें आपका ना धर्म चाहिए, इसीलिए हमें आपका ना काम चाहिए। तो अंत में राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए नेत्र झुकाते हुए कहा, देवियों आपको ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए और ना ही काम चाहिए, तो चौथा पदार्थ एक और बचा है और वो है मोक्ष। मोक्ष ले लो, और मोक्ष के लिए तो बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र हंसों के परमहंस जन्म जन्मांतरों तक कल्प कल्पांतरों तक युग युगांतरों तक अपने शरीर को तपाते रहते हैं, जलाते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंत में मोक्ष मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम स्वयं गारंटी दे रहे हैं, आप मोक्ष ले। मिथिलानियों के प्रेम का यही प्रदर्शन होता है। आज नेत्र सजल हो गए समस्त मिथिलानियों के, और महाराज भक्त स्वरूपा हैं ये सब। आज मिथिलानियों ने हाथ जोड़ते हुए नेत्रों से आंसू बहाते हुए कह दिया, प्रभु आप दूल्हा सरकार जब बनेंगे तब बनेंगे। हमारे हृदय के भवन में तो दूल्हा सरकार आप आज से ही बन चुके हैं, और हमारे यहाँ की परंपरा है कि दामाद को जितना बन सके उतना ज्यादा से ज्यादा देना ही चाहिए, उनसे कभी कुछ लेना नहीं चाहिए, और यदि हमें चाहिए भी होगा तो बेटी है श्री जनक नंदिनी सीता जी जो स्वयं भक्ति स्वरूपा हैं, हम उन्हीं की छत्र छाया में निवास करती हैं। हम जब भी लेना चाहेंगे तो भक्ति मैया से ही मांगेंगे, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। यही भक्त का सर्वोत्कृष्ट भाव है, जो भरत लाल जी का भाव है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। यही तो भरत लाल जी ने मांगा और यही मिथिलानियों ने मांगा, और भक्त का यही भाव है। आए अपने वाणी को विराम देते हुए इस भाव में आनंद लेते हुए भक्त कहता है कि अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। भक्त कह रहा है कि अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। अरे कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। अरे अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कहिए अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, I'm
कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा कुमार राजा राम चाहिए, राम चाहिए हमें राम चाहिए, राम चाहिए सभी का है, चाहिए राम चाहिए हमें राम चाहिए, राम चाहिए हमें राम चाहिए, अरे कौशल्या कुमार सीताराम चाहिए, कौशल्या कुमार राम चाहिए सीताराम चाहिए, राजा राम चाहिए राजा राम चाहिए सीताराम चाहिए, सीताराम चाहिए सीताराम चाहिए, सीताराम चाहिए भगवान अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री चक्रधर भगवान की, राधा माधव सरकार की, हर हर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, गाय माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, ओम महार हर महादेव। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरण भो राम राम, मनोजिवं मारुति तोलो वेगं, जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, गुरुर्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवमहेश्वरः, गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीर विनिमो हनुमान, राम जस जस आप वखाना, प्रणवो पवन कुमार खलवनि पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगारो बसहि राम सर चाप धर, कुंड समदे उमारमण करुणाय, जाह दीन परने सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पान, बोलिए सियावर राम चंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मोटे के श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय हो, गाय माता की जय, भारत माता की जय हो, जय जय सीताराम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा
बड़ी ही सुंदर चर्चा भक्ति की अभी आप सुन रहे थे। देखो यही जीवन है, और अब तो विश्व में भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का डंका बज रहा है, डंका। ये सनातन धर्म का समय है। आप कहोगे कैसे, जिन अंग्रेजों ने, जिन इंग्लैंडियों ने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया, उस पर भारतीय मूल का वो ऋषि सनक और शासन कर रहा है, प्रधानमंत्री बन गया। बोलो, अरे सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म। बोले सनातन धर्म किसे कहते हैं, सनातन है क्या, जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सनातन धर्म है। कब से चला है, जब से सूर्य है तब से है सनातन। अब है किसी को पता कि सूर्य कब से है, बोलो, जब से सूर्य तब से सनातन धर्म है, जब से चंद्रमा तब से सनातन धर्म है, जब से पवन है तब से सनातन धर्म है, जब से दुनिया में अग्नि देव है तब से सनातन धर्म है, जब से पृथ्वी है तब से सनातन धर्म है, जब से दुनिया में सिंधु है तब से सनातन धर्म है। किसी की हस्ती नहीं जो सूर्य को मिटा सकता हो, चंद्रमा को मिटा सकता हो, पृथ्वी को मिटा सकता हो, और किसी की हिम्मत नहीं जो सिंधु को मिटा सकता हो, और किसी की हिम्मत नहीं जो दुनिया के हिंदू को मिटा सकता हो। इसलिए वो सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म इसे कहते, जो स्वयं कमाता और खाता है उसे कर्म कहते। कर्म कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कर्म कर रहा है, गुजारा कर रहा है, और सब अपने अपने पेट का गुजारा करते हैं, करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जो स्वयं कमा रहा है, स्वयं खा रहा है, उसे कर्म कहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ करते धरते नहीं, फिर क्या करते हैं, बोले दूसरों को लूट के खाते हैं। इसकी जेब काटी, उसकी जेब काटी, इसको छुरा दिखाया, उसको बंदूक दिखाई, पिस्तौल दिखाई और लूट लिया, एकांत में रास्ते में पाया और लूट लिया। उनको क्या कहोगे कि कर्म कर रहे हैं, ये कोई कर्म है, लूट कर खा रहे हैं, ये कोई कर्म है। जो स्वयं कमाता और स्वयं खाता उसे कर्म कहते हैं, और जो दूसरों को लूट करके खाता उसे विकर्म कहते हैं। कर्म नहीं, विकर्म है, कर्म का उल्टा विकर्म है, ये कोई कर्म नहीं है। जो स्वयं खाता, स्वयं कमाता और स्वयं खाता उसे कर्म कहते हैं, और जो दुनिया में लूट कर खाते हैं उन्हें विकर्म कहते हैं। लेकिन जो स्वयं कमाते और दूसरों को खिलाते हैं उसे सनातन धर्म कहते हैं, वो है सनातन धर्म। जो स्वयं कमा रहे हैं और दूसरों को खिला रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं, दीनहीन को सहारा दे रहे हैं, जहाजों को पलट दे, जब तूफान आता है तो जहाजों को पलट देता है, जहाजों को पलट दे उसे तूफान कहते हैं, और दीनहीनों को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, वो है भगवान। और वही भगवान केवल किसी धर्म में नहीं आया, किसी देश में नहीं आया, 250 देश है, किसी विश्व के किसी देश में नहीं आया। जब भी आया तो भारत की वसुंधरा पर आया, भारत की धरती पर आया, राम बन करके आया, कृष्ण बन करके आया, परशुराम बन करके आया, बावन बन करके आया, कपिल भगवान बन करके आया, बौद्ध बन करके आया। बोला 24 बार परमात्मा ने यदि कहीं अवतार लिया है और आया है तो भारत की धरती पर आया। हम और आप कितने पुण्यशाली हैं, कितने पुण्य किए होंगे, ये भारत में जन्म लिए। बोलो
जिसमें परमात्मा आता है उसमें हम और आप भी आ गए। बड़े भाग्यशाली है कि यहां बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं। और कहीं रूस में हो जाते, यूक्रेन में हो जाते तो बम गिरता मर जाता। बड़ा क्या जीवन होता है। जीवन का फल पूरा जहां परमात्मा अवतार लेता। किसी ने पूछा कि भारत में ही परमात्मा क्यों आता। अरे सबसे बड़ा धर्मानी देश अमेरिका है। विश्व के किसी देश में परमात्मा ने अवतार नहीं लिया। इराक ईरान में नहीं गया, रूस में नहीं गया, कहीं अवतार नहीं लिया, भारत में आया। किसी ने पूछा भारत में क्यों अवतार लेता। वो बार बार अवतार लेता, बार बार। वो भक्तों के लिए तो लाखों बार करोड़ों बार आया। भक्तों ने जब पुकारा तब आ गया। लोग कहते कलयुग में भगवान का दर्शन नहीं होता। कलयुग में भौतों को भगवान का दर्शन हुआ है। किसको हुआ? नरसी को हुआ, नामदेव को हुआ, तुकाराम को हुआ, चेतन महाप्रभु को हुआ, मीरा को हुआ, गोस्वामी तुलसीदास को हुआ। 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास को भगवान का दर्शन हुआ। बोलो। अरे छोड़ो बात, भगवान का दर्शन यहां 5 वर्ष के ध्रुव को हो गया, प्रहलाद को हो गया, ध्रुव को हो गया। और छोड़ो बात, हमारे यहां परमात्मा का दर्शन बालक 5 वर्ष के बालक को हो जाता है। अरे हमारे यहां तो परमात्मा का दर्शन गर्भमय हो जाता है। गर्भमय किसको? परीक्षित को। श्रीमद् भागवत पढ़ो। श्रीमद् भागवत में परमात्मा ने परीक्षित को गर्भ में दर्शन दिया। क्यों? जब परीक्षित गर्भ में था तो अस्तुत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया परीक्षित को मारने के लिए कि पांडव का वंश समाप्त हो जाए। भगवान ने परीक्षित को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और परीक्षित के प्राणों की रक्षा की। हमारे यहां तो परमात्मा गर्भ में ही प्रवेश कर जाता है। गर्भ में शिशु को दर्शन दे देता है ये परमात्मा। किसी ने पूछा भारत में ही क्यों आता है। भारत में ही कहा, भारत में मां है इसलिए आता है, और कहीं मां नहीं है। बोले नहीं है। बोलो किसी देश को माता कहोगे? कहा किसी ने? अमेरिका माता, इराक ईरान माता, अफ्रीका माता, रूस माता, किसी को माता कहा? अरे विश्व के देश किसी को माता नहीं कहा। चीन को तो चाची तक नहीं कहा। फिर बड़े गर्व से कहा भारत माता। ये भारत देश माता। और विदेशियों ने तो धरती को, पृथ्वी को केवल पृथ्वी कहा, लेकिन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म ने पृथ्वी को भी मां कहा। पृथ्वी माता किसी ने नहीं कहा, भारत माता। क्यों? ये मां है। अगर ये कुछ नहीं देगी तो धान कहां से मिलता है? पृथ्वी देती है। फल कहां से? पृथ्वी देती है। सब्जियां कहां से? पृथ्वी देती है। सब कुछ देने वाली तो ये पृथ्वी है, इसलिए मां नहीं है। केवल 9 महीने दूध पिलाने वाली मां मां हो जाएगी, फिर इसके बाद। अरे विदेशियों ने तो नदी को नदी कहा, लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ने नदी को भी मां कहा। गंगा माता, सरजू माता, जमुना माता, कावेरी माता, नर्मदा माता, भारत में जितनी नदियां हैं सब माता। बोलो, जल नहीं मिलेगा जीवन चलेगा? अरे भोजन के बिना तो 2-4 दिन जी लोगे, लेकिन जल के बिना? जल के बिना नहीं जी पाओगे। बोलो, जल नहीं मिलेगा जीवन चला जाएगा। अरे जल के बिना भी लोग 1-2 दिन रह जाएंगे, लेकिन हवा के बिना? बोलो, हवा के बिना तो 15 मिनट यही नकुआ बंद कर लो, यही चित्त हो जाओगे, यही
चले जाओ। लेकिन आज तक किसी ने मांग नहीं की, और मांग रहा है रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी मांग रहा है कपड़ा मांग रहा है मकान मांग रहा है बोला, लेकिन नहीं मांग रहा है कि पवन चाहिए पवन चाहिए। 15 मिनट जी नहीं पाओगे, लेकिन मांग नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोले फ्री में मिल रही, फ्री में, इसका कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, और जो फ्री में मिलता उसकी कोई कीमत नहीं समझता। है कीमती लेकिन कीमत नहीं समझता, क्यों फ्री में मिल रही है, इसलिए कोई मांग नहीं करता। मांग रहा है रोटी कपड़ा, अरे भोजन के बिना भी जी लोगे, कपड़े के बिना देखते नहीं हो? जैनी बाबा सारी जिंदगी जीते रहते, कोई कपड़ा नहीं पहनते और जीते रहते, जिंदगी जीते रहते हैं। और त्यागी महात्मा पेड़ के नीचे सारी जिंदगी गुजार देते, मकान में नहीं रहते, फिर भी जीते रहते हैं। लेकिन पवन के बिना तो कोई नहीं जी पाएगा, पवन से जीवन जुड़ा है लेकिन कोई मांग नहीं करता। जैसे पवन से जीवन जुड़ा है कि हम 15 मिनट 5 मिनट भी पवन के बिना नहीं जी सकते प्यारे, इसी प्रकार पवन पुत्र हनुमान से भी जीवन जुड़ा है, हम हनुमान के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? हनुमान जी के पिता है पवन देव, इसलिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है। इसमें कितने 33 कोटि या 33 करोड़ देवता, जिसने जो दिया है उसकी पूजा की है सनातन धर्म ने, इसलिए महान है सनातन धर्म। देखो विदेशों में वृक्ष हैं, लेकिन विदेशियों ने वृक्ष को केवल वृक्ष कहा, और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ने वृक्ष को भी मां कहा, तुलसी माता, तुलसी मां है। एक बार वीरबल अकबर जा रहे थे, बीरबल हिंदू धर्म को मानने वाला था, अकबर इस्लाम धर्म को मानने वाला था, और बीरबल ने जब देखा तो गाय माता को उतर के वंदन प्रणाम किया। अकबर ने पूछा ये क्या है? बोली मेरी माँ। अरे बोले बीरबल मुझे समझ में नहीं आता, तेरे पशु भी माँ बाप? बोला तू तो इंसान है फिर तेरे माँ बाप पशु भी? अरे बोले मालिक ये माँ तो केवल 9 महीने दूध पिलाती है, लेकिन गाय माता तो कहती है 100 वर्ष जियोगे तो सारी जिंदगी भर दूध पिलाऊंगी, सारी जिंदगी भर दूध पिलाने वाली तो ये मेरी गाय माता है। और आगे बढ़ी, तुलसी का बिरवा लगा, बीरबल ने उसको भी वंदन और प्रणाम किया। अकबर बोला ये क्या लगती? बोले ये भी माँ है, ये भी मेरी माँ है, और ये औषधि है। महाराज इसको भी वंदन और प्रणाम किया। अकबर को गुस्सा लगी, अरे तेरे वृक्ष भी माँ बाप, तेरे पशु भी माँ बाप, बोलो तेरी नदियां भी माँ बाप, तेरे माँ बाप का ठिकाना ही नहीं, उखाड़ के फेंक दिए। आगे चले तो वीरबल ने सोचा कि इसका तो दाव लेना, मेरी माँ का अपमान किया, मेरी तुलसी माँ का अपमान किया, गाय माता का अपमान किया। आगे लगा था करेज का पेड़ा, जिसके लगने से खुजली लगती है, कहीं कहीं खुजली का पेड़ कहते हैं। और बीरबल ने साष्टांग प्रणाम उसको भी किया। अकबर बोला जे क्या लगता? बोले ये मेरा बाप लगता है। अच्छा बाप लगता? बोले हाँ। और बोले माँ का तुमने अपमान किया तो कर दिया, माँ बड़ी क्षमा कर देती है, दयालु कृपालु होती है, लेकिन बाप से मत बोलना, बाप कभी क्षमा नहीं करता, बाप बड़ा कठिन है। अकबर बोला मैंने तुम्हारी माँ का अपमान किया, बाप का भी करूंगा। तो बोले पता चल जाएगा। और जैसे तोड़ करके फेंकने लगा, पूरे शरीर में लग गया, खुजली मचने लगी। अकबर खुजाने लगा, बोले बीरबल तेरा बाप तो बड़ा कठिन है। बोले हजूर पहले ही कह दिया था कि बाप तो बहुत कठिन है, ये छोड़ने वाला नहीं। बोले अब तो मर रहा हूं, क्या करें?
अरे बोले चलो जिनका अपमान किया गाय माता के पास लाए, पूरे शरीर में गोबर का मालिश किया तब ठीक हुआ। इसलिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म पशु गाय माता की भी पूजा करता है, गाय माता की पूजा करता है, गंगा माता की पूजा करता है, तुलसी माता की पूजा करता है। अरे छोड़ो बात, दुनिया में शास्त्र हैं लेकिन लोगों ने शास्त्र को केवल शास्त्र कहा, लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ने शास्त्र को भी मां कहा। गीता माता, ये मेरी गीता माता है। लेकिन आज तो लोग गीता का भी अपमान कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सहिष्णु है ये हिंदू धर्म। वो हिंदू बेचारा सुनता रहता है, गीता को भी गाली दे रहे हैं। गीता को कहते भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को सुनाया वो जिहाद है, जिहाद। बोलो कैसे लोग हो गए, धर्म पर कुठारा घात करते। ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है प्यारे, इसलिए इसकी रक्षा। देखो शत्रुघ्न हिरण्यकश्यप ने इसके ऊपर अत्याचार किया, आज ही नहीं हो रहा है, युगों युगों होता रहा, लेकिन रक्षा करने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया। परमात्मा नरसिंह बारह बनकर के आया और शत्रुघ्न में रक्षा की, किसकी, सनातन की, सनातियों की, हिंदू धर्म की, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की। परमात्मा कहता है यदि मुझे सुअर भी बनना पड़े, सिंह भी बनना पड़े तो मैं बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को मिटने नहीं दूंगा। बचाने की शक्ति परमात्मा देता है। बोलो, समय बदला, त्रेता काल आया और रावण और कुंभकर्ण ने अत्याचार अनाचार किया और चौकियां भारत में लगाई। बताओ, महिलाओं को भेजा, कहीं ताड़का लगी है, कहीं सूपनखा लगी है। क्यों? उस समय के राजा महिला के ऊपर वान नहीं चलाते थे, तो ये अत्याचार अनाचार कर रही है। मनमाना चौकियां में रावण ने महिलाओं को और सुरमौर बना करके भेज दिया, कहीं ताड़का लगी है, कहीं सूपनखा लगी है, अत्याचार अनाचार हो रहा है, भारतीय संस्कृति सनातन को कुचला जा रहा है। भा भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुने नहीं काना, बहुविध त्रास है, देश निकास है, जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराण की कथा कहता है उसको रावण देश निकाला दे देता है, मार देता है। जय जय देश धेन दुज पावे, नगर गांव पर आग लगावे, आग लगा देता है, गौशालाएं जला देता है। इतना अत्याचार अनाचार पापाचार फैलाए। अरे ये कथाएं इसलिए तो जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि ये कथाएं क्यों जरूरी है। अरे ज्ञान देने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को रास्ता बताने के लिए ही तो परमात्मा आया। परमात्मा केवल रावण और राक्षसों को मारने के लिए नहीं आया। परमात्मा के तो संकल्प मात्र से समाप्त तो हो सकते थे, लेकिन ये समाज कैसे सुधरता। समाज को रास्ता बताने के लिए, राज सीख देने के लिए, भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने मानव अवतार लिया। मानव अवतार वो अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा वैकुंठ और साकेत धाम को छोड़ करके मृतलोक में आ गया और राम लक्ष्मण के रूप में उस परमात्मा ने भारतीय संस्कृति और सनातन की रक्षा की, सनातन की रक्षा की। समय बदला, द्वापर काल आया, कंस शिशुपाल दुर्योधन कैसे दुराचारी अत्याचारी भाइयों का हिस्सा खाने वाले, दुराचार अत्याचार फैलाने वाले, भारतीय संस्कृति सनातन को कुचलने वाले,
इस दुनिया में आए तब परमात्मा ने कृष्ण और बलराम के रूप में अवतरित होकर के द्वापर काल के अत्याचार अनाचार को मिटाया और भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा की करे। लेकिन मुगलों का साम्राज्य अत्याचार अनाचार आगे कलयुग आया, मुगलों ने अत्याचार किया और भारतीय संस्कृति सनातन के ऊपर राज किया हजारों वर्ष, मंदिर तोड़े, मस्जिद उनके ऊपर खड़ी कर दी। बोलो, बड़े बड़े मंदिर तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिदें खड़ी कर दी, भारतीय संस्कृति सनातन के वहां चिन्ह छोड़ दिए, इसलिए कि सनातन धर्मी देख करके रोते रहे, अपमानित तो होते रहे। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को कुचलते रहे। अंग्रेज आया, यहाँ का कोई नूर हीरा ले गया, ये भारतीय संस्कृति को लूट करके ले गया। फिर इस देश ने वीरों को उगला, शिवाजी और राणा ने मुगलों को भगाया और रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे ने जुड़ करके भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा की और अंग्रेजों को इस देश से भगाया। समय फिर भी बदला, ये देश कुचलता रहा, एक ही समाज की ओर लगा रहा, फिर भी लगा कि सनातन तो कहीं है ही नहीं। कोई बात करता है तो कह देते हैं ये सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। कोई गीता की बात नहीं कर पाता, कोई गामा ने गणेश नहीं पढ़ा पाता। बोलो, कोई रामचरित मानस भी अगर पढ़ाने में लग जाए तो कह देते सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। सनातन कुचलता रहा, सनातन पिटता रहा। भारतीय संस्कृति सनातन में एक वो अवसर आया और 2014 में इस भारतीय संस्कृति सनातन को बचाने के लिए इस दुनिया की धरती पर मोदी और योगी बन करके आया और भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा की। प्यारे, कोई भी काल रहा, भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा होती रहेगी। परमात्मा अपने फरस्ते, परमात्मा किसी न रूप में आकर के भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा करेगा। प्यारे, चौथा पर बीत गया है, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं। बोलो, बुढ़ापा हो गया है, अब तो आशा भी डूब गई है। मनु शत्रुपा के रूप में मिला तो था आशीर्वाद कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर के आऊंगा, देवताओं से भी कहा था। जन डर पाओ मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी नरो भेषा। कहा तो था कि दशरथ और कौशल्या के मैं बेटा बनकर के आऊंगा, लेकिन चौथापन हो गया। किसी ने पूछा, चौथापन हो गया, बुढ़ापा आ गया, बेटा होगा? अरे, चौथापन है इसीलिए परमात्मा केवल एक आने के लिए कहा था कि मैं अकेला आऊंगा, लेकिन जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ का चौथापन हो गया तो वो परमात्मा एक नहीं, चार रूपों में बनकर के आया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बनकर के आया। अब चौथापन है, चार पनों हो गए, इसलिए अब एक से अवतार से काम नहीं चलेगा, अब हम चार बन करके जाएंगे। और वो चार रूपों में प्रकट हुआ चक्रवर्ती महाराज दशरथ। जब अपने पूर्वजों को जल दे रहे थे, उस समय पूर्वजों ने ललकार दिया, हे राजन, मैं तुम्हारे हाथों से जल नहीं लूंगा। पूछा, क्यों नहीं लोगे? इसलिए नहीं लूंगा कि तुमसे वंश की हानि हो रही है। बोलो, तुम मेरे वंश में ऐसे पैदा हुए हो कि तुम वंश को समाप्त कर रहे हो, अब तुम्हारे बाद कोई नहीं है। अरे, तुम जल दे रहे हो, तुम्हारे बाद कौन देगा? कोई नहीं देगा, कोई है ही नहीं। तब महाराज को गिलानी हुई और चौथे पन में गिलानी हुई। बाबा कहते, एक बार भूपत मन मानी, भई गलानी मोरे सुते नागी। क्या जिसके बेटा नहीं होता उसे एक बार गिलानी होगी? सारी जिंदगी भर गिलानी रहती है,
कि मकान दुकान जमीन जायदाद सोना चांदी जो हमने जोड़ा है इसको कौन संभालेगा, बोलो इसको संभालने वाला कौन है? और जिसके कोई नहीं होता उसका लुटता है, लुटता है, पड़ोसी लूटते, कहीं रिश्तेदार लूटते, कहीं कोई लूटता, लूट के ले जाता, दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं होता। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने भी, अरे पूर्वजों ने कहा तुम्हारे बाद जल कौन देगा, वो ये सनातन में व्यवस्था है कि जीते जी माँ बाप की सेवा करता है और माँ बाप के जाने के बाद फिर माँ बाप को 15 दिन जल देता है, याद करता है माँ बाप को, याद करने वाला और मरने के बाद भी जल देने वाला यदि दुनिया के अंदर किसी धर्म में है तो उसे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है, और किसी धर्म में नहीं। जीते जी बाप को जेल में डालने वाला औरंगजेब, जिसने अपने जीते जी बाप शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था, वो कंस जिसने जीते जी अपने बाप को जेल में डाल दिया था, बोला। लेकिन ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है, जो जीते जी बाप माँ बाप की सेवा करता है मरने के बाद फिर जल देता है। पूर्वजों ने ललकार दी, तब महाराज को गिलानी हुई, बोलो। एक सुबह महाराज चले जा रहे थे, झाड़ू लगाने वाले ने देखा, झाड़ू लगा रही थी, उसने देखा महाराज आ रहे हैं तो मुंह फेर लिया, पूछा कारण क्या है, बोले आपके कोई संतान नहीं है, उन्हें संतान का मुंह देखना अच्छा नहीं होता, पूरा दिन खराब हो जाएगा, इसलिए मुंह फेर लिया। महाराज को गिलानी हुई, अरे गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी अर्धंधति जी ने कहा, महाराज आप कैसे गुरु हैं और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है? अरे महाराज दिलीप के भी कोई संतान नहीं थी, फिर आपने संतान तो दिलवा दी। वशिष्ठ जी गए ब्रह्मा जी से, कहा कोई संतान दे दो, ब्रह्मा जी कहे दे नहीं सकते। भगवान ने कहा यह तो विधान ब्रह्मा का है, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब क्या करें? तब वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, गाय की सेवा करो। और महाराज दिलीप ने गाय की सेवा की, ऐसी सेवा की जहां गाय भोजन करती वहां भोजन किया, जहां पानी पीती वहां पानी पिया। क्या हुआ? ब्रह्मा के अंकों को पछाड़ दिया, मिटा दिया, जो ब्रह्मा और वह अखंड ब्रह्मांड परमात्मा नहीं दे सका, वो 33 करोड़ गाय की शरीर में बास करने वाले देवताओं ने जुड़ करके मारा दिलीप को रघु कैसा बेटा दे दिया, जिसके नाम पर रघुवंश चला। आज गुरु माता ने कहा आप कैसे गुरु, समर्थ गुरु, साधारण गुरु नहीं है, समर्थ गुरु हो महाराज, और आप नहीं दे पा रहे हैं। एक बेटा चक्रवर्ती महाराज दशरथ को कहा, वो मांग नहीं रहे, वो बिना मांगे मैं दे नहीं सकता, और वो मांग नहीं रहे। तब माता जी गई बालक को लेकर के राजमहलों में और रोला दिया, चोटियां लेकर के रोला दिया, बालक रोने लगा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा गुरु माता ये मेरा गुरु भाई क्यों रो रहा है? कहा इसलिए रो रहा कि मेरे पिताजी तो प्रोहिति कर्म चक्रवर्ती महाराज दशरथ का कर रहे हैं, हम किसका करेंगे, क्यों कोई संतान नहीं, हम किसका करेंगे। तब उनको गिलानी हुई। आज बार बार हर जगह से देखा गया, तब महाराज को बड़ी गिलानी हुई। तब बाबा जी कहते एक बार भूपत मन मही ओ भई गिलानी मोरे सुतना, जहां कोई घटना घटती है वहां बाबा एक बार लिख देते, एक बार चुन कुसुम सुहाई निज कर भूषण राम बनाई, एक बार जननी अनुबाई कर श्रृंगार पलना पौड़ाई, एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज सिपाही। क्या ये कई बार गए थे? अरे कई बार गए थे, एक बार घटना घट गई है इसलिए एक बार लिख दिया। रामचरितमानस में कई बार एक बार एक बार एक बार गोस्वामी जी ने लिखा, जहां कोई विशेष घटना घटती है
बाबा वहां एक बार लिख देते, इसलिए लिख रहे हैं कि एक बार भूपत मन माही ओ भई गलानी मोरे सुतना। मैं बिना पुत्र का हूं, मेरे कोई बेटा नहीं है। आज महाराज गए गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में, मस्तक पटक दिया। महाराज गुरुदेव आज तो चरणों में प्राण दे दूंगा, नहीं आपसे आशीर्वाद लूंगा। गुरु गए तुरंत गए हो मही बाला, चरण लाग यति भी नहीं विशाला। चरणों में गिर पड़े महाराज, में निसंतान आप कैसे समर्थ गुरु। ये भारत का ऋषि लोभी नहीं है, कंजूस नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, चिंता मत करो, धरो धीर हुई सुतिचारी, तिरुवन विदित भगत भय हारी। ए राजन धीरज को धारण करो, एक बेटा नहीं चार दूंगा। एक बेटे से काम चलने वाला नहीं, एक बेटे से धर्म की रक्षा नहीं होगी, एक बेटे से राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी, एक बेटे से घर की रक्षा नहीं होगी। प्यारे नोट कर लो, रामचरितमानस पढ़ते हो सुनते हो कथाएं, एक बेटे से काम चला लोगे? जरूरत पड़ गई देश को तो देश की सेवा में कौन जाएगा? बोलो, वो लड़का चला गया देश में, लड़ाई लग गई तो नींद नहीं आएगी, बेटा अकेला है, बोलो। इसलिए घर में भी जरूरत है बेटे की, बाहर भी जरूरत है, देश और राष्ट्र के लिए जरूरत है, धर्म के लिए जरूरत है। इसलिए आज गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन एक बेटे से काम चलने वाला नहीं है। एक बेटा न धर्म की रक्षा कर सकता है, न राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, और न घर की रक्षा कर सकता है। एक बेटा किसी काम का नहीं है, इसलिए एक नहीं चार दूंगा और वो दूंगा। जब तक धरती रहेगी तब तक तुम्हारे बेटे का नाम अमर रहेगा। बेटा तो चाहिए, संस्कारवान चाहिए, बेटा तो चाहिए, चरितमान चाहिए, आचरणवान चाहिए। अगर बेटा संस्कारवान होगा, चरितमान होगा, आचरणवान होगा, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, वालिस्टर बनाओ, जो बनाना सो बनाओ, देश का मुख्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, देश का प्रधानमंत्री बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ, जो बनाना बनाओ, तुम्हारा देश है, स्वतंत्र देश है, तुम्हारे ही बेटे बनेंगे, बोलो। लेकिन उन्हें पहले रामचरितमानस की चौपाई बढ़ा करके चरितमान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, कि बेटा चाहे इंजीनियर बनना, चाहे डॉक्टर बनना, चाहे मिनिस्टर बनना, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना, लाखों करोड़ों का पैसा और सोना चांदी पड़ा रहे, लेकिन मेरे बेटे तुम भ्रष्टाचार मत करना, बोलो। इसलिए संस्कारवान बेटा चाहिए, देश के लिए भी संस्कारवान चरितवान चाहिए, आचरणवान चाहिए। जो रात दिन देश के लिए लगा हुआ है लेकिन एक पैसे से कोई लेना देना नहीं है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरने के लिए तैयार है, इसलिए ऐसा बेटा चाहिए, संस्कारवान चरितवान। इसलिए बाबा ने इस ग्रंथ का नाम चरित रामचरितमानस लिखा, बीच में चरित रखा है, चरित राम मानस लिख देते, बोलो बन जाता चरित राम मानस, नहीं लिखा रामचरित मानस लिखा, क्यों लिखा? बाबा गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने चरित को बीच में क्यों रखा? गोस्वामी जी बोले, चरित की जरूरत है, अगर तुम्हें राम बनना है तो प्यारे तुम राम बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? जीवन में चरित को उतार लो तो तुम राम बन सकते हो। चरितवान व्यक्ति ही राम है, और वही दुनिया में नाम कर सकता है। बाबा ने चरित इसलिए भी रखा कि तुम्हें लोक भी संवारना और परलोक भी संवारना है, और तुम्हारा चरित बिगड़ जाएगा तो नोट करो, तुम्हारा लोक भी बिगड़ जाएगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा।
चरित वो चीज है प्यारे जो तुम्हारा लोक भी बनाती है और परलोक भी बनाता है। चरित बिगड़ जाने पर लोक बिगड़ जाएगा, परलोक बिगड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने लिखा है कि यदि बीच में चरित रखा है, केवल तुम्हारे जीवन में चरित है, चरित यदि तुम्हें लोक बनाना है तो चरित संभाल लो, और तुम्हें परलोक बनाना है तो चरित संभाल लो, तुम्हें भगवान से मिलना है तो चरित संभाल लो। और चरित बिगड़ गया तो लोक नहीं मिलेगा, परलोक नहीं मिलेगा। इसलिए रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम है कि जीवन में चरित को संभालो। और बाबा की एक ही चौपाई, हम कहते पूरा रामचरित मत रटो, एक ही चौपाई रटा दो बेटों को कि जननी सम जाने पर नारी ओ धन पराओ बिसते बिसुभारी, जननी सम जाने पर नारी ओ धन पराओ बिसते बिसुभारी। बेटा पराई स्त्री तेरे लिए माँ है, ये समझा दो, पराई स्त्री तेरे लिए माँ है और पराया धन तेरे लिए जहर से भी भारी है। दो चीजें यदि जीवन में समझ जाए, पराई स्त्री तुम्हें माँ दिखाई देने लगे और पराया धन तुम्हें जहर लगने लगे, तो भगवान दूर नहीं है, भक्ति दूर नहीं है। जीवन में भक्ति मिल जाएगी और भक्ति मिल जाएगी तो भगवान मिल जाएगा, लेकिन ये दो चीजें संभालना होगा, ये दो चीजें जीवन में संभालना होगा कि धन पराओ बिस्ते बिस भारी, जननी समझा नहीं पर। लोग कहते आज भगवान नहीं मिलता, बोलो इतनी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद भी जब चौराहे पर होता है तो विसिल बजाता है। बाबा गोस्वामी जी कहते जिन नेत्रों से तुम संसार की माताओं में मां नहीं देख सकते, संसार की बेटियों को बेटी नहीं देख सकते, संसार की बहनों को तुम बहन नहीं देख सकते, उन नेत्रों से तुम कभी भगवान को नहीं देख सकते। भगवान तो उसी दिन दिखाई देगा जिस दिन संसार की माताएं तुम्हें मां लगने लगे, ये मेरी मां है। संसार की माताओं में मां नजर आने लगे, संसार की बेटियों में बेटी नजर आने लगे, संसार की बहनों में बहन नजर आने लगे, नोट करो इन नेत्रों से तुम्हें भगवान नजर आने लगेगा। ये बाबा की चौपाई है, जननी सम जाने पर नारी धन पराओ बिसते बिसुभारी, पराया धन बिस से भी भारी है। आज गुरुदेव वशिष्ठ से चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा ऐसे संस्कारी ऐसे चरित्रवान बेटों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम मस्ती से रहो, जाओ राज्य में। फिर ऐसे बेटों को प्राप्त करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। और लिखा है सिंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, बोलो सिंगी ऋषि को किसने बुलाया? वशिष्ठ जी ने बुलाया। अरे काम तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ का है, लेकिन कर कौन रहे हैं? गुरुदेव कर रहे हैं। सिंगीर सही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्रेष्ठ जग करा रहे किसके लिए? बेटा को प्राप्त करने के। ये वो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है, जा यज्ञ से बेटा मिलता है, यज्ञ से साधारण नहीं, राम कैसा बेटा मिलता है, भरत कैसा बेटा मिलता है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कैसा बेटा मिलता है, किससे? यज्ञ से। गुरुदेव वशिष्ठ ने बुलवाया, सिंगीर सही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी। भक्ति क्या है? भक्ति ही ईमानदारी है। इस देश की रक्षा करने के लिए प्राण की बाजू लगा करके बंदूक लेकर के रात भर जग रहा है, तब हम और आप सो रहे हैं, बोलो। वो नहीं जगेगा तो हम और आप सोते ही रह जाएंगे।
उसकी बदौलत सो रहे हैं। जो देश और राष्ट्र के लिए उसे माला घुमाने की जरूरत नहीं है, उसे पाठ करने की जरूरत नहीं है, वो देश और राष्ट्र के लिए जान की बाजू लगा करके बंदूक लेकर के देश की रक्षा कर रहा है, राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूं, क्या इस देश का कर्मचारी, इस देश का अधिकारी और देश का राजनेता जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ करके ईमानदार हो जाएगा, उस दिन ये भारत देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। जरूरत है ईमानदार होने की। भक्ति क्या है? जीवन में सत्य आ जाए वही भक्ति है, जीवन में ईमानदारी आ जाए वही भक्ति है। नहीं माला घुमाते रहो सारी जिंदगी भर, पाठ करते रहो, बेईमानी करते रहो, लोगों को छलते रहो, कपटते रहो, बोलो दुनिया को लूटते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे संसार में नहीं कुछ मिलेगा, भगवान के यहां क्या मिलेगा? भक्ति वही है जो ईमानदारी से काम कर रहा है, चाहे भारत सरकार का करे चाहे राम सरकार का करे, जो ईमानदारी से काम करता है कहीं भी हो, जहां तुम्हें ड्यूटी दी है, जहां तुम्हें ड्यूटी मिली है, उस ड्यूटी का ईमानदारी से बर्ताव करोगे, निसंदेह तुम्हारे जीवन की भक्ति हो जाए। इसलिए भगत सहित मुनि आहुति दीने, गुरुदेव वशिष्ठ ने भक्ति और प्रेम ईमानदार और सत्य के अनुसार जैसे आहुति दी तो क्या हुआ? अग्निदेव साक्षात प्रकट हो गए, देवता प्रकट हो गए। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, और प्रसाद लेकर के आ गए। कौन? अग्निदेव। अग्निदेव प्रसाद लेकर के आ गए और कहा, राजन ये प्रसाद ले जाओ, रानियों को खिला देना, छोड़ो बात जवानी की, फिर बुढ़ापे में बेटा हो जाएगा। इस प्रसाद में बहुत ताकत है, ताकत। बोलो यज्ञ के प्रसाद में अग्निदेव दे रहे हैं, अग्निदेव कह रहे हैं ये यज्ञ के प्रसाद में बहुत ताकत है कि बुढ़ापे में बेटा हो जाएगा। बुढ़ापे में बेटा नहीं होता, चौथापन है, बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापे में बेटा कैसे हो जाएगा? अग्निदेव ने कहा प्रसाद खिलाने से हो जाएगा। ए हवंत देव निर्पजाई, जथा जोग जय भाग बनाई, अर्ध भाग कौशल दीना, उभय भाग आधे कर दीना, कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्रे मन प्रसन्न कर। जैसे सुमित्रा के हाथ में प्रसाद दिया और चील लेकर भाग गया, और भाग करके चील गया, माँ अंजनी की अंजलि में डाल दिया, आकाशवाणी हुई, माँ ये यज्ञ का प्रसाद है, इसका अपमान मत करना, इस प्रसाद को पालो, और इस प्रसाद के पाने से भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा करने के लिए वो महावीर बजरंगी प्रगट हो जाएगा, प्रगट हो जाएगा। मां अंजनी ने आकाशवाणी की बात मान करके उस प्रसाद को पाया, उसी से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हो गया। बोलो वो प्रसाद में ताकत थी जो हनुमान में ताकत है, वो प्रसाद में ताकत थी जो राम में ताकत है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण में ताकत है। आज मंदिर में ही सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। आज तीनों रानियां गर्भवती हो गई, मध्य दिवस यरो शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। सब देवता आए हैं, डंका बजाया, और जब राम का प्राकट होने लगा तो देवता चले गए। किसी ने कहा अरे राम जी का दर्शन करने के जाना चाहिए था, ये तो पहले ही चले गए। पहले क्यों चले गए? बोले व्यवस्था बनाने के लिए चले गए। व्यवस्था बनाने के लिए चले गए कि राम का प्राकट हो रहा है, और राम ने कहा अरे देवताओं तुम यहीं रहोगे और मेरी बड़ाई करोगे तो मुझे जो शिशुपन का
प्रेम स्नेह मिलना है, माताओं से मिलना है, दुनिया से मिलना है, उससे वंचित हो जाऊंगा क्यों? जब तुम स्तुति करोगे, देवता स्तुति करेंगे तो सब समझ जाएंगे कि ये बालक नहीं, ये तो पालक है, ये तो भगवान है। इसलिए अभी भगवत्ता को बताना नहीं है और तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी ड्यूटी समाप्त हो गई। सरजू में कल कल की आवाज होने लगी, पत्ता पत्ता हंस रहा है, बच्चा बच्चा हंस रहा है। आज वो अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा उस भारत की धरती पर आ रहा है। हम त्रेता में हैं या नहीं थे पता नहीं है, हमने भगवान का प्राकट्य नहीं देखा, लेकिन हम भी भाग्यशाली हैं। क्या भाग्यशाली हैं? हमने त्रेता काल में भगवान श्री राम का प्राकट्य नहीं देखा, लेकिन जहां भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है, हम इस कलयुग में वहां भव्य राम मंदिर का दर्शन करेंगे। राम मंदिर का दर्शन करेंगे, हमारे आपके भाग में। कभी सोच नहीं पाते थे क्या इस हिंदुस्तान की धरती पर राम मंदिर बनेगा, भगवान का राम मंदिर बनेगा? कभी सोच पाते थे? नहीं सोच पाते थे। क्या सोचते थे? लेकिन नहीं, वो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म जागा, और सनातन की रक्षा यही होती है। मंदिर क्या है? मंदिर पहचान है सनातन धर्म का। आज सारी अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया। सरजू में कल कल की आवाज, सरजू नाच रही है। अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा आज कौशल्या के सामने प्रगट हो गए, और बाबा ने गाया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी हरि चित महि तारी मुनि मति हारी अद्भुत रूप विचारी दो जन अभिरामा जन गण श्यामा परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। कौशल्या ने कहा, ये रूप मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई कहेगा कि कौशल्या के बेटा हुआ, और यहां तो दो भुज वाले हैं, तुम चार भुज वाले आ गए।
कौन मानने वाले तैयार नहीं होंगे। इसलिए मुझे ये रूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुमने मन शत्रुपा के रूप में यही तो मांगा था, अब क्यों नहीं चाहिए। कहा यहां तो पांच की जगह छह उंगली हो जाए तो माताएं कहती हैं कि बेटा तो हुआ छिंगा हुआ, सारी जिंदगी भर उसका नाम छिंगा पड़ जाता है। इसलिए मुझे छिंगे की जरूरत नहीं है, दो हाथ वाले की जरूरत है। अरे छोटे से बन जाओ कि जय सुसलीला यत प्रियसीला यह सुख पारा में अनुपा, छोटे से बन जाओ, छोटे से या तो छोटा बनता है वह अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिसने संसार को बनाया, जिसने त्रिलोक को बनाया, सारी दुनिया को बनाया, लेकिन गजब कर दिया भारत की माता कौशल्या ने, उस अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा को भी यदि किसी ने बनाया तो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की माँ कौशल्या ने बनाया, छोटे बन जाओ। और वो परमात्मा माँ कौशल्या के कहने पर छोटा बन गया कि जैसे सुलीलायत प्रियसी हिलाय सुख परामी अनुपा, फिर रो नहीं रहे। कौशल्या ने पूछा रोना शुरू कर दो, भगवान बोला मैं कभी नहीं रोया, मैं सर्वशक्तिमान हूं। बोलो मुझे रोने की क्या जरूरत, रोता तो संसार ही है, भगवान काहे को रोएगा, संसार पुकारता और रोता है। भगवान ने कहा मुझे रोना वोना नहीं आता, मैं कभी रोया नहीं, मुझे आदत नहीं, मुझे रोना आता ही नहीं। कौशल्या ने कहा इस मृतलोक में आए हो रोना पड़ेगा, और तुम रोना शुरू कर दो तो दुनिया के लोगों का रोना मिट जाएगा, जो रावण के कारण, कुंभकर्ण के कारण, मेघनाथ के कारण, राक्षसों के कारण, अधर्म के कारण, पापों के कारण रो रहे हैं, उनका रोना मिट जाएगा। मेरे परमात्मा तुम अपना रोना शुरू कर दे तो दुनिया के लोगों का रोना बंद हो जाएगा। इसलिए वह अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा बोले रोने लगा, रोदन ठाना, रोते ही चला जा रहा, रोते ही चला जा रहा। कौशल्या ने कहा ऐसे मत रो, फिर रुक रुक के रो, रुक रुक के रोने लगा। सारी दुनिया को पैदा करने वाला, सिखाने वाले परमात्मा को भी माँ कौशल्या भारत की देवी ने, इसलिए भारत की नारी को देवी कहते हैं, विदेश की नारी को कोई देवी नहीं कहता, वहां तो लेडीज कहते हैं, बीवी कहते हैं। इसलिए परमात्मा लेडीज और बीवी के जन्म नहीं लेता, परमात्मा जब भी जन्म लेता है तो देवी की गोद में आता है, देवता देवी की गोद में आएगा। ये भारत की नारी का सिर, ये भारत की माता का है, ये भारत की माँ की गोद में वह अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा आया। 12 बजे राम का प्राकट हुआ और 12 बजे रात के भगवान कृष्ण का प्राकट, और गजब क्यों हुआ, बोले 12 बजे दिन के भूख लगती है, कहीं से भोजन ना मिले तो उस परमात्मा राम का ध्यान कर लेना, भोजन मिल जाएगा। और 12 बजे रात के काम की मार पड़ती है, इसलिए भगवान कृष्ण का ध्यान कर लेना, उससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वो परमात्मा 12 बजे आया, एक दिन में आया, एक रात में आया। अरे दिन में आया तो मास दिवस कर दिवस भाम रम न जान ही कोई, रथ समेत रवि था के निशा का बनी विधि हो। सूर्य जाने नहीं चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता, बोले मेरे वंश में आया है, वह अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा मेरे वंश में आया है, सूर्य वंश में आया है, इसलिए सूर्य जाने नहीं चाहता। और सूर्य नहीं जा रहा तो रात आने वाली नहीं है, चंद्रमा रो रहा है, रात रो रही है कि प्रभु हमको तो तुम्हारा दर्शन ही नहीं हो रहा है, क्यों सूर्य जा ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो ए चंद्र, मैं तुम्हें तो इसी जन्म में, इसी अवतार में स्वीकार कर लूंगा, और राम के साथ मैं तुम्हें चंद्र, तुम्हें जोड़ लूंगा, इसलिए रामचंद्र बन जाऊंगा। और रात्रि तुम चिंता मत करो, अब हमारा अगला प्राकट जो होगा, अगला जन्म जो होगा वो तुम्हारे ही समय होगा, अब दिन में नहीं रात में होगा, इसलिए तुम्हारे ही समय में आएंगे। सूर्य जा नहीं रहा, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को,
और रथ समेत रवि था क्यों निशा कबन भी देखो, कैसे चंद्रमा कैसे रात्रि आए जाने नहीं चाहता मेरे वंश में आए। अरे तुम्हारे वंश में एक पूरे महीने का एक दिन हो गया, सारे अयोध्यावासी आनंद बसा मचा रहे, बधाइयां गा रहे। वह परमात्मा आया, एक दिन वह परमात्मा छोटा ही था और मचलने लगा जैसे बालक मचलता है, और मचलने लगा माँ कौशल्या की गोद में मुझे चंद्रमा चाहिए। कौशल्या ने कहा आकाश में चंद्रमा है और मैं मृतलोक पृथ्वी पर हूं, बोलो मैं तुम्हें चंद्रमा कैसे दे सकता, कैसे दे सकती हूं, आकाश में चंद्रमा है और मैं पृथ्वी पर। राम ने कहा मां तुम अपने अस्तित्व को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, क्यों जो अखंड ब्रह्मांड है परमात्मा को साकेत और बैकुंठ से इस पृथ्वी पर ले आ सकती है, जो रामचंद्र को पृथ्वी पर उतार सकती है वो अकेले चंद्र को क्यों नहीं उतार सकती है, वो चंद्र को भी ला सकती है, इसमें संदेह नहीं। परमात्मा का प्राकट हुआ, आने वाले समय में आगे की चर्चा। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम फिर आरती। रज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 अज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो। ओम महाराह आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। दशरथ तनय कौशल्यानंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन, अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। निर्गुण सगुण अनुपरूप निधि सकल लोक